अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू मीट वन एंड ओनली नादिया खान, जो आज आ रही हैं इन अर्विंग फॉर मीट एंड ग्रीट। तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट, अगर हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हम जाएं उनसे मिलें, और होपफुली वहाँ रश ज़्यादा ना हो, बस मैं ये दुआ कर रही हूँ। तो देखते हैं किस तरह का जाता है वहाँ मीट एंड ग्रीट, एंड वहाँ डिनर भी होगा, तो बड़ा मज़ा आने वाला है बिकॉज़ आई एम वेरी एक्साइटेड। आई एम वॉचिंग हर व्लॉग्स फॉर लाइक 3 years नाउ ऑलमोस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड शी इज़ वेरी फनी। लाइक उनके जो व्लॉग्स होते हैं, मतलब बहुत ही वो लाइक फन किस्म के व्लॉग बनाती हैं, मुझे दैट्स वाई आई लाइक हर। तो बस अभी हम कुछ देर में निकलने वाले हैं, क्योंकि हमारे घर से तकरीबन घंटे का तो रास्ता है, तो जल्दी से जाते हैं, उनसे मिलते हैं। मैं उनका वेट कर रही थी कब से, कि क्योंकि वो अमेरिका आई हुई थी, तो मैंने कहा कि पता नहीं कब वो करेंगी मीट एंड ग्रीट। ओके गाइस, चलते हैं, अब देर नहीं करते। यहाँ होनी है मीट एंड ग्रीट, और अभी हम यहाँ कुछ लगता है कुछ यहाँ इनकी ना कंस्ट्रक्शन चल रही है, छोटा मोटा काम। ये है बिल्डिंग और इसके अंदर हमने जाना है। तो हमने कहाँ से जाना है वो देखे, इन्होंने लिखा हुआ है मैकुलाची। तो अभी हमें इधर जाना है। ये स्वीट्स है क्या अंदर? पता चले शायद हम सबसे पहले बंदे हुए हैं। हम आ गए मैकुलाची, इधर इन्होंने इवेंट अरेंज किया हुआ है। और ये देखें जी सेटअप यहाँ। ओके गाइस, इस टाइम हम लोग यहाँ आके बैठ गए हैं, और ये हॉल है यहाँ सारा, अगर आप लोग देखें। अभी हम वेट करेंगे, अच्छा है ज़्यादा लोग ना हो तो हमें ज़्यादा अच्छा प्राइवेट टाइम मिल जाएगा, उनके साथ बात कर सकेंगे। ओके, जो यहाँ इनकी एक स्पेशल ड्रिंक है। अच्छा, ये ड्रिंक का नाम क्या है? इसका नाम है शिकन जुबीन। अच्छा, है तो शिकन जुबीन, मतलब अंदर ग्रीन ग्रीन है ना ये? तो कुछ ऐसा मिंट है। ओ अच्छा अच्छा, मिंट। अच्छा है यार, चलें जी ट्राई करते हैं ये वाली ड्रिंक। इट्स गुड। यार कैसी लगी आपको ड्रिंक? आई लाइक इट अ लॉट बट या इट्स गुड गाइस, मुझे तो ये वाली ड्रिंक बहुत अच्छी लगी। नो डाउट ये इनकी स्पेशलिटी है इस ड्रिंक की, एंड आई लाइक इट। और बिरयानी भी हमें यहाँ नज़र आई है, चिकन भी है, बीफ निहारी है। ओ हाँ, चिकन कढ़ाई, चिकन टिक्का, बीफ निहारी, एंड सैलेड, रायता चटनी, और इधर बिरयानी भी है। ओके, तो मैंने जो है वो अपना डिनर ले लिया है। बिरयानी है, टिक्का है, वैसे मटन बिरयानी थी, चिकन कढ़ाई है, एंड नान है। आपने क्या लिया? मैंने चिकन टिक्का, मटन बिरयानी, आपका भी वही है, और सैलेड भी है साथ। सैलेड भी है। चले जी, अब हम खाना खाते हैं जल्दी से। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बाय। वालेकुम अस्सलाम, की आवाज़ नहीं आई? थैंक यू, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुनाइट। आई नो इट्स नॉट इजी टू कम ऑन अ वीक नाइट, और आज का वेदर भी ऐसा हो गया था, लेकिन फिर ये इवेंट भी ऐसा था कि छोड़ने वाला नहीं था। और आई एम श्योर जितने लोग आए हैं वो पाकिस्तानी आर्टिस्ट, पाकिस्तानी टैलेंट की कदर करते हैं, तो थैंक यू सो मच आप लोगों के आने का, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला के पाक नाम से, तो
दरारों में पाक के लिए मैं इनवाइट करूंगी महमूद भाई। शोबिस से उनका रिश्ता, ड्रामा सीरियल बंधन से शोबिस से उनका रिश्ता जुड़ा और उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड शोज जब स्टार्ट किए तो उन्होंने एक ट्रेंड सेटर के तौर पर वो सामने आई और बहुत से दोस्त ने, बहुत से चैनल्स ने उनका स्टाइल कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन वही बात है कि जो ओरिजिनल हस्बैंड मिस्टर फैसल राव और माशाल्लाह से जिस फैसल भाई की एक बड़ा इनका प्रोफेशनल करियर रहा है और बड़ा एयरफोर्स में रहे हैं, फाइटर पायलट रहे हैं और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत जोड़ी है जिसे कहते हैं कि रब ने बना दी जोड़ी। अच्छा माशाल्लाह जैसे कि आप लोग जानते हैं शी इज एन सीट एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर आवर डेलस कम्युनिटी और वही शी इज माशाल्लाह शी इज एन एलोक्वेंट स्पीकर तो जिस टॉपिक पे भी इनसे बात करवाई जाए उस पर बात कर सकती हैं। आज हमारे जहन में बहुत से डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिनको ये बात करेंगी, बहुत से क्वेश्चन हैं जो मेरे जहन में भी हैं एंड आई एम श्योर आप लोगों के जहन में भी, आज वो सारे क्वेश्चन आगे से करेंगे और फैसल भाई से। अच्छा प्लीज बताएं व्हाट एक्चुअली एम्पावरमेंट इज और क्या है लोग इसको मतलब एम्पावरमेंट के नाम पे जो कुछ कर रहे हैं वो समझने के बस ये लोग तो मिस यूज भी किया जाता है इस टर्म को, बताइए जरा हमें आज सक्सेस। सबको थैंक यू सो मच आप यहाँ आए, सब बड़े मजे का हमने खाना खाया, आपने आप लोगों से चैट स्टार्टिंग करके सीरियस सब्जेक्ट से शुरू कर दिया है। एम्पावरमेंट एक्चुअली चीजें बहुत जैनरेट करती जाती हैं इतनी हद तक कि वो अपना मकसद और मायने खो देती है। वुमन एम्पावरमेंट कैसे टर्म जिसका बड़ा बुरा मान है जो कि आई थिंक लोगों ने बहुत एक्सप्लॉइट किया इसको, औरतों ने भी एक्सप्लॉइट किया है। एक जंग नहीं है जिस तरह का वो औरत मार्च और सारा सीन बन गया, लगता है एक जंग है कि हमें सडनली आप बोली ये तो मेरा दुश्मन है, ये भी मेरा दुश्मन है, ये भी मुझे मार देगा, ये मुझे खा जाएगा, ये कुछ ऐसा लग गया कि जैसे इस लफ्ज ने हमारे हाथ में कुछ लिया पड़ा। इट्स नथिंग लाइक दैट। एम्पावर्ड मींस कंप्लीट कंट्रोल, बच्चों की अपनी अपने घर को संभालना, अपने मियां को समझना संभालना, बाहर काम करते हैं तो बाहर अपने आप को सही लेके चलना, कोई सिचुएशन खराब हो तो उसमें ये नहीं रोने लग जाए घबरा जाए, बल्कि गेट दैट पावर व्हिच इज इनसाइड यू। मोहब्बत से, मोहब्बत की जो पावर है ना हमें उस एम्पावरमेंट की जरूरत है। ब्यूटीफुल इन दोनों के अंदर जो एनर्जी है जो पॉजिटिव एनर्जी इट्स नॉट फ्रॉम वन साइड इट्स नॉट फ्रॉम नादिया इट्स फ्रॉम बोथ ऑफ देम एंड आई लव दिस कपल। बहुत मजे के साथ किसी ने पूछा कि पंजाबी का लफ्ज है चबल क्या होता है, कहा भाई चबल बताया नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता, दिखाया जा सकता नहीं। इसके अंदर लेकिन इतना बता दूं कि अगर उस वक्त जब आपने जहाज से उतरा तो अगर आपका वजन 100 किलो है तो आपको इतनी तेजी से बाहर फेंका जाता है कि आपका वजन 1900 किलो है, आप समझे कि अंदर क्या हो रहा है। I lost my height by half inch, आधा इंच मेरी हाइट कम हो गई क्योंकि एक कंप्रेशन हो गया, स्पाइन मेरी टूट गई थी। लेकिन सबसे मजे की बात ये बताऊँ कि जब मैं वो बिल्कुल भी सिनेरियो मैंने एक्सपीरियंस किया था कि जब जहाज गिर रहा होता है अगर आबादी पे गिरेगा तो क्या होगा, ऐसे कैसे बॉम्ब गिरता है
मेरी पूरी कोशिश लेकिन पहले अल्लाह ताला की जात थी कि सामने विलेज हुआ जिस हद तक मैं उसको बचा सकता था मैंने की कोशिश की लेकिन जब मैं चेक किया तो आज मेरा पहला सवाल ये पूछा कि मैं कहाँ पर गिरा हूँ जहाज कहाँ गिरा है जहाज एक खुले मैदान में गिरा है वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन थी कि मेरी वजह से इसमें मेरा नहीं मिला लेकिन जहाज लेकिन मजे की बात क्या आपको बताता चलू मैं गलत चले के खेल में और मेरा हेलमेट था मैं जीसू मेरा पास था आपको माधुरी नहीं चुकी माधुरी नहीं ये कैसे मिल गई तो वो ईस्ट ऑफ बखर आपको आइडिया होगा बखर में डेजर्ट का इलाका था वहाँ चले काफी खेल में तो पहले पांच बंदों में से पांचवा बंदा मेरे पास आया और वो मेरी वीडियो बता रहा था मैंने पूछने की कोशिश की कहता प्लीज सर ऐसे जो करें जियो टीवी से इतने फ्री मंथ्स उनके वहाँ पर वेट कर रहे होते हैं कि 11:27 पे मेरा क्रैश हुआ मॉर्निंग में और 11:42 पे जियो को नीचे टिकट चल पड़ा था कि बात से ये है खास तबीयत की बर्बाद करते हैं और इस टाइम जिन्होंने स्पॉन्सर किया था प्रोग्राम को वो लोग केक कट कर रहे हैं यहाँ केक कटिंग सेरेमनी हो रही है नालिया खान आई हुई है यहाँ एंड आप लोग देख सकते हैं कितनी ये जोली सी है और अभी हम जाते हैं इनसे फोटोज़ इनके साथ फ़ोटो लेंगे जाएंगे क्योंकि इसके बाद ये सेशन होने जा रहा है अभी फ़ोटो सेशन सभी वेट कर रहे हैं ओके गाइज हमारी मुलाकात हो गई नादिया खान से बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके लाइक इन रियल भी वो जो है ना उनकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत अच्छी है शी इज़ अ रियली नाइस पर्सन होपफुली आप लोगों ने भी आज का जो व्लॉग है वो इन्जॉय किया होगा और नाउ आई एम गोइंग होम इट्स लाइक 11 PM राइट नाउ और बस अभी रात हो गई है अभी मैं घर जा रही हूँ आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर अल्लाह हाफिज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम